आ रहा है तेरा प्यार। अपने इन्हीं सारे गानों की धुन छोड़ बप्पीदा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। संगीतमय धुनों से 80 और 90 के दशक में हिंदी सिने प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करने वाले गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों और सिनेमा जगत के उनके सहयोगियों की मौजूदगी में विले पार्ले के पवन हंस शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। इसी के साथ बप्पी लहरी पंचतत्व में विलीन हो गए। बता दें कि बप्पीदा का निधन मंगलवार यानी 15 फरवरी को रात 11:45 के आसपास हुआ था, लेकिन अगले दिन यानी बुधवार को उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका क्योंकि उनके बेटे बप्पा लहरी अमेरिका से नहीं आए थे। बप्पीदा के आखिरी दर्शन और उन्हें अलविदा कहने सिने जगत से कई हस्तियां पहुंची थी। विद्या बालन, भूषण कुमार, शक्ति कपूर, सुनील पाल, शान, उदित नारायण और कई सारे सेलिब्स ने गायक को भावनात्मक श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके पार्थिव को बेटे बप्पा लहरी ने मुखाग्नि दी। मुखाग्नि देने से पहले बप्पी लहरी के पार्थिव शरीर को उनके पहचान बन चुके धूप के काले चश्मे के साथ एक खुले ट्रक में ले जाया गया था। ट्रक को गेंदे के फूल से सजाया गया था। ट्रक के आगे और बगल में उनकी तस्वीरें लगाई गई थी जिस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि लिखा था। ट्रक में बप्पी लहरी की पत्नी चित्राणी, बेटा बप्पा और बेटी रीमा के साथ कई सारे परिजन क्रेमेटोरियम पहुंचे थे। ट्रक के पीछे कई कारों का काफिला था जिनमें पुलिस के वाहन और 2 एम्बुलेंस भी शामिल थे। इस जगह पर पहुंचने के बाद बप्पीदा के पार्थिव को आखिरी विदाई दी गई। बता दें कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इस साल की शुरुआत में ही कई झटके लग चुके हैं। देश के मशहूर गायक और कंपोजर बप्पी लहरी के निधन के अलावा हाल ही में देश ने सुर कोकिला लता मंगेशकर को भी खो दिया है। इसके अलावा बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और एक्ट्रेस रवीना टंडन के पिता रवि टंडन का भी इन्हीं दिनों निधन हुआ है। इसी के साथ पंजाब के अभिनेता दीप सिद्धू की भी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया है।